या अली मदद आज का आवाज रूहानी बेदारी के हवाले से है, जिसमें वाइस राय कमालुद्दीन साहब ने एक बुक के रेफरेंस से रूहानी बेदारी के हवाले से बात की है। तो आए ये आवाज हम सुनते हैं और बाद में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम जमान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़िए। दिलदारों का जो उनवान है वो रूहानी बेदारी है। हम अपने वजूद के अंदर रूहानी तब्दीली और रूहानी चेंज किस तरीके से ला सकते हैं, उसके बारे में कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस किताब के जो राइटर हैं वो डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर, इनकी बहुत सी किताबें हैं। वेन डब्ल्यू डायर एक मशहूर राइटर हैं और इत्तेफाक से डॉक्टर दीपक चोपड़ा के साथ ही बहुत से कॉन्फ्रेंसेस और टॉक्स ये अटेंड करते हैं और लेक्चर देते हैं। इनकी जिस किताब पर आज मैं बात करूंगा वो किताब है कि यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव, जब आप इस पर ईमान रखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। आमतौर पर लोग कहते हैं कि यू विल बिलीव इट व्हेन यू सी इट, कि जब आप देखेंगे तो आपको यकीन आएगा। ये कहता है कि जब आप यकीन रखेंगे तो आपको नजर आएगा। इसकी कुछ किताबें हैं जिनमें योर एरोनियस जोन्स, स्काई इज द लिमिट, पुलिंग योर ऑन स्ट्रिंग, ये सारी जो किताबें उसकी है वो हमारे सोच से, हमारे थिंकिंग के साथ, हमारे ख्यालात के साथ ताल्लुक रखते हैं। और आज जो भी बात हम करेंगे, क्योंकि जब भी हम रूहानियत की बात करते हैं, रूहानी चेंज, रूहानी तब्दीली या ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, हम अपने वजूद में, ये जो हमारा वजूद है, हमारा जिस्म है, ये फॉर्म है, सूरत है, जाहिर है। जब हम तब्दीली की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम इस फॉर्म से, जाहिर से, जिस्म से बाहर निकलकर, जिस्म से अलग होकर हमारा जो अपना असल वजूद है उसको देख सके, पहचान सके और समझ सके। तो उसके लिए हमें हमारे सोच में तब्दीली लाने की जरूरत है और हमारी थिंकिंग में, हमारे सोच में हमसे कहां कहां गलतियां हो रही हैं और हमें किस तरीके से सही जाविये पे सोचना चाहिए, उसके बारे में इस किताब में बात की गई है। ये भी इत्तेफाक की बात है कि इस किताब के भी 7 चैप्टर हैं, जिस तरह 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस जो किताब मैंने आपके सामने पेश की थी, उसका तो हेडिंग ही ये था कि कामयाबी के 7 रूहानी कानून। इसका कोई ऐसा हेडिंग नहीं है, मगर इत्तेफाक है कि इसने इस किताब को जो डिवाइड किया है उसमें 7 चैप्टर पे इसने बात की है। हर चैप्टर में एक उन्वान पे, एक फिलोसॉफी पे उसने डिस्कस किया है, एक उसूल बताया है और उसमें किस तरीके से हम उसको अमली जामा पहनाए। सिर्फ फिलोसॉफी कर बातें कर देना काफी नहीं है, हम अपनी जिंदगी में उसको प्रैक्टिकल शेप कैसे दें, अमली जामा कैसे पहनाए, क्या करें, हम क्या सोच रहे हैं, अब उसको बदल के, चेंज करके क्या, किस तरह सोचना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस लेक्चर के इख्तिताम पे यकीनन हमारे अंदर थोड़ी सी बेदारी पैदा होगी कि हम अपनी जात की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे सकें और जो उसूल यहाँ पे हमें बताए गए हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी हम थोड़ा सा एक ध्यान होकर उसको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि हमारी जो असल है, हमारे वजूद की जो बुनियाद है वो रूह है, न कि जिस्म। आमतौर पर जो कुछ हो रहा है वो हम ये समझ रहे हैं कि हम जिस्म हैं, हम जिस्मानी वजूद रखते हैं और हम रूहानियत का तजुर्बा करते हैं। जैसे हम 23 घंटा दुनिया को देते हैं क्योंकि वो बड़ा अहम है, 1 घंटा रूह को देते हैं, इबादत को देते हैं क्योंकि बिचारी को इतना ही टाइम चाहिए। ये सबसे बड़ी बुनियादी गलती है, क्योंकि हमने ये समझा है कि बुनियादी तौर पे हम जिस्म है और हम रूहानी तजुर्बा करते हैं, हालांकि असलन हम रूह हैं।
हमारा जो असली वजूद है, हमारी जो 99% 99% जो हमारी दुनिया है, जो हमारी जिंदगी है, वो बातिनी है, वो रूहानी है, और 1% है जो यहाँ की है, दुनिया की है। अगर ये ख्याल हम अपने अंदर उजागर कर सके कि सबसे पहले तो लोग पूछते हैं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अगर हम ये फर्क कर सके कि क्या हम बुनियादी तौर पर जिस्म है, हमारे असल जिस्म है या रूह है, और अगर उसका सवाल हम दे जवाब दे सके कि बुनियादी तौर पे हम रूह है न कि जिस्म, क्योंकि जिस्म हमें मिला है, जिस्म खत्म हो जाएगा, इस जिस्म के मिलने से पहले भी हम थे, इस जिस्म के खत्म होने के बाद भी हम रहेंगे, तो पता चला कि हमारी जो असल है वो रूह है। जिस्म वो चीज है जिसमें हम तमाम हैवानात के साथ मुश्तरक है, दूसरे तमाम हैवानात जिस्मानी तौर पे जो कुछ भी करते हैं हम भी करते हैं, तो हमें उसमें क्या इम्तियाजी मकाम हासिल है? कुछ भी नहीं। हमें अगर इम्तियाजी मकाम हासिल है मखलूकात में तो हमारी रूह की वजह से है। तो जब हम अपने जिस्म से अलग होकर अपने जिस्म की अहमियत को कम से कम तर करके अगर हम अपनी रूह को जान सके और पहचान सके तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यानी हमारी रूहानी बेदारी और रूहानी तब्दीली के लिए ये हमारा पहला कदम होगा। तो इस उसूल को अपनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है, इस तरह हम बैतुल ख्याल में बैठते हैं, ख्याल की दुनिया में बैठते हैं, तो हम जानते हैं ये बातिन की दुनिया है, तो हम अपने आप को बजाय एक जाहिरी मखलूक के तौर पर एक्सेप्ट करने के अपने आप को एक बातिनी चीज के तौर पे समझें। और ये जो हम अपने ऊपर डिफरेंट लेवल्स लगा के फिरते हैं ना, हो सके इतने अपने लेवल्स निकाल डालें, हमारी माली जाती लिसानी सोशल बहुत से लेवल्स है ना, मैं गरीब हूं या अमीर हूं तो मेरे पे लेवल लगा है, गरीब है पैसे वाला है, तो अगर मैं पैसे वाला हूं तो मैं गरीब से अलग हूं। भाई जबान कौन सी बोलता है? उर्दू बोलता है, कच्छी बोलता है, गुजराती बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, तो जो जबान बोलता है और जो जबान नहीं बोलता उससे हम अलग होने का लेवल लगाते हैं। हमारी जात क्या है? हम इस इलाके के रहने वाले हैं, उस इलाके के रहने वाले हैं, ये सब चीजें डिवाइड करने वाली है, ये सब चीजें डिवाइड करने वाली, हमें जुदा करने वाली, अलग करने वाली है। पेशा वराना भाई बिजनेस करता है, सर्विस करता है, पढ़ता है, ये सब चीजें जिसका हम अपने ऊपर लेवल लगाकर अपनी अलग शख्सियत हम बनाते हैं, उसकी वजह से हम चीजों से अलग हो जाते हैं। और ये सारे लेवल्स जो हमने अपनी जात पे लगाए हैं ये सब जिस्म के हैं, ये सब हमारे बॉडी के हैं, ये सब मादी और दुनियावी है, इसलिए हम बहुत ज्यादा जिस्मानी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम इनसे बालातर होके सोच सकते हैं तो हम थोड़ा सा जिस्म की दुनिया से बाहर निकल सकेंगे, जहां तक मुमकिन हो। जिस तरह दीपक चोपड़ा ने भी कहा था, ये भी कहता है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, खामोश जगह पे बैठकर, अकेले बैठकर, तन्हा बैठकर एक ध्यान होने की कोशिश करें, अपने बातिन की तरफ झांकने की कोशिश करें और अपनी जात से मोहब्बत करें, अपनी जात से मोहब्बत करें। इसका मतलब ये नहीं कि सारे दुनिया से नफरत करें, सारे दुनिया से मोहब्बत करें, लेकिन अपनी जात की कदर करें। हम में से हर एक खुदा की नूर का जर्रा, हम में से हर एक एक रूह है और यूनिक है अपनी जगह पर, इसलिए अपनी इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें और अपनी जात की जो कदर और कीमत है उसको पहचाने, और खामखा अपनी जात को पनिश न करें, अपनी जात से भी कहीं कोई गलती हो जाए तो अपने आप को भी माफ करना सीखें और अपनी जात के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। जो दूसरा इसका उसूल है वो है ख्यालात, ये कहता है थॉट्स, सोच। जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि हमारे वजूद की बुनियाद बातिन पर है, अगर हमारा वजूद बातिनी है तो जो ख्यालात की दुनिया है वो बातिनी दुनिया है। तो हमारे जितने भी काम हम अंजाम देते हैं उन सब के ताल्लुक हमारे जहन से है, हमारे ख्यालात से है। हमारे जैसे ख्यालात होंगे वैसे हमारे आमाल होंगे, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है
वो हमारे ख्यालात को फॉलो करता है। हमारे ख्यालात जिस तरीके से हमको डिक्टेट करते हैं, इस तरह हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। कहते हैं यू आर व्हाट यू थिंक, आप वो हैं जो आप समझते हैं। एक बहुत ही तंदुरुस्त और मजबूत इंसान अगर जहनी तौर पर अपने आप को कमजोर समझता है तो उसका जिस्म कभी भी स्ट्रांग नहीं। हम कहते हैं एहसास से कमजोरी का शिकार है, ये नर्वसनेस का शिकार है, इसके अंदर ये फलान जज्बात है, इसका ताल्लुक उसकी बॉडी से नहीं है। हम नर्वस दिमाग में होते हैं, कांपते हाथ पैर है हमारे। क्यों? हमारे थॉट्स को हमारा जिस्म फॉलो करता है। अगर हमने कह दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता तो आपका जिस्म कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो थॉट्स को फॉलो करता है, ख्यालात को फॉलो करता है। अगर मेरे ख्याल ने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूं तो मेरा जिस्म उसको फॉलो करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो भी हमारे ख्यालात हैं उसको अगर हम बेहतर बना सके, और ये सारी एक्सरसाइज जो है वो ख्यालात की है, थॉट्स की है, थिंकिंग की है। हम दुखी भी होते हैं अपने ख्यालात की वजह से, सुखी भी होते हैं अपने ख्यालात की वजह से, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा। तो हम किस तरीके से अपने ख्यालात को बेहतर बना सके जिससे हमारा जाहिर, हमारा जाहिरी वजूद हमारे साथ दे सके। तो कहता है इसमें सबसे अहम चीज जो है वो तसव्वुरात है, विजुअलाइजेशन। आप अपने आप को जिस तरह तसव्वुर करेंगे आप वैसे बनेंगे। अगर जहनी तौर पे हम मुफलिस होंगे, अगर हमारे जहन में हमारे ख्यालात गुरबत से भरे हुए हैं तो हमारे घर में अमीरी कभी नहीं आएगी, हमारी जिंदगी में अमीरी कभी नहीं आएगी। कहते हैं कि इंसान दिल का बादशाह होता है, माल का बादशाह नहीं होता। अगर एक आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं, फिर भी वो अगर ये समझता है कि उसके पास इनफ नहीं है, उसे और चाहिए, तो वो तो गरीब है। हालांकि माल बहुत है, थॉट्स में कंगाल है, थॉट्स में गरीब होने की वजह से ये उसकी अमारत, उसकी अमीरी उससे कोई काम नहीं आ रही। एक आदमी के पास थोड़ा है, जिसे हम संतोष कहते हैं, किनात कहते हैं, बरकत कहते हैं, थोड़ा है, अगर वो कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो अमीर है। वो अमीर अपने ख्यालात में है, अपने माल और दौलत में नहीं है। तो अपने ख्यालात को इम्प्रूव करना, दुरुस्त करना जरूरी है। तो तीन चार किस्म के वो स्टेजेस बताता है उसमें कि योर एक्शंस कम फ्रॉम योर इमेजेस, आपकी जो तसव्वुरात है उस पे आपका इमेज बनता है। तो अपने आप का जो इमेज है, अपना तसव्वुर है, अपना बातिन है, उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, आपका जाहिर जो है उसको फॉलो करेगा। दूसरी बात वो कहता है कि जिस चीज का भी आप तसव्वुर करते हैं वो मौजूद होती है कायनात में। साइंस ने इतने कवानीन इजाद किए हैं कि सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया है, लेकिन उसमें कोई भी चीज नई बनाई नहीं है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने उसूल मालूम किए हैं, ये नहीं कि ये चीज साइंस ने बनाई। हवाई जहाज अगर उड़ा रहे हैं तो किसी उसूल पे उड़ा रहे हैं। जब उन्हें पता चल गया कुदरत में ये कानून है, इस कानून पे हम हवा में मौलिक रह सकते हैं, तो उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। तो चीजें मौजूद हैं, महज दरियाफ्त करने की जरूरत है। तो आप जिस चीज का इमेजिनेशन करते हैं खुदा की कायनात में वो चीज मौजूद है, महज उनको दरियाफ्त करने की जरूरत है। और तीसरी चीज कि दरियाफ्त करने के लिए आपके अंदर विलिंगनेस और प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, और उसके लिए आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि नाकामी जैसी कोई चीज नहीं है। बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो खुद भी मायूस होते हैं, पेरेंट्स भी मायूस होते हैं, हम जिंदगी के किसी मैदान में फेल हो जाते हैं, कोई कदम हम उठाते हैं भी नाकाम हो गए, बिजनेस पे कुछ काम करना चाहा नाकाम हो गए, कहीं रिश्ता लेना चाहा बात विजादी रिजेक्ट हो गए, हम समझते हैं नाकाम हो गए। देयर इज नथिंग लाइक फेलियर्स, नाकामी जैसी कोई चीज नहीं है, वो एक डिफरेंट रिजल्ट है। जिसको हम नाकामी कहते हैं या समझते हैं, ये लोगों के लेवल्स हैं जो हम पे लगा दिए जाते हैं, और उसके मुताबिक हम खुद भी अपने आप को जज कर लेते हैं। भाई उसने 5 मिनट में फासला तय किया, मैंने 7 मिनट में किया तो मैं पास नहीं हुआ, लेकिन मैंने 7 मिनट में किया तो वो एक डिफरेंट रिजल्ट है, वो एक अलग नतीजा है।
ये और बात है कि लोग उसे फेलियर कहें या हम उसे फेलियर कहें, कहते नाकामी जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए अपने आप को पनिश न करें, अपने आप को कामयाबी और नाकामी के चक्कर में डाल के सजा न दे, अपने आप से मोहब्बत करें और हर काम को लगन से करें। जो नतीजा आप चाहते हैं, जिसे आप कामयाबी कहते हैं, शायद वो नतीजा न निकले, डिफरेंट रिजल्ट निकले, और शायद वो नतीजा उससे बेहतर हो जिसे आप कामयाबी कहते हैं। तो अपना विजन बहुत खोल के रखना चाहिए। बदकिस्मती से हम अपने आप को जिस्म के हवाले से देखने के आदि हो गए हैं, और ये हमारा जो माहौल है और खास तौर पर मीडिया, आज हमें मीडिया बिल्कुल एक बॉडी बना के रखती है और हम उसी के लेसन मिलते हैं। जब तक आप ये साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अच्छे आदमी नहीं बन सकते। जब तक आप ये शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोसाइटी में आपकी कोई जगह नहीं है। जब तक आप इस माह के जूते नहीं पहनेंगे या यहाँ के कपड़े नहीं पहनेंगे या ये ब्लेड इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोसाइटी में आपकी कोई क्लास नहीं है, और हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। यानी डे बाय डे ये हमको सिवाय पत्थर की एक मूर्ति के और कुछ भी नहीं रहने देंगे। इनमें से कोई हमें ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें बेकार है, आपकी जो असल है वो आपकी रूह है, जो कि उनको प्रोडक्ट बेचना है। समाज में मेरी इज्जत बनती है या नहीं, मैं अच्छा लगता हूं या नहीं, मेरे दांत सफेद है या नहीं, मेरे बाल रेशमी है या नहीं, इससे इन कंपनियों को कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, मगर इस प्रोडक्ट बेचने के वास्ते उन्होंने हमें एक जिस्म बना के रख दिया, और हमारे सारे आमाल इन्हीं एड्स को फॉलो करते हुए जा रहे हैं कि आज कौन सी नई बात आई है, कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, वो हमें क्या कह रहा है। तो जो चीज हम स्क्रीन पे देखते हैं उसको अपनी जात पे हम नाफिज न करें, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है और हमारी जो अपनी दुनिया है वो बहुत अलग दुनिया है। वहां नहीं मिलेगी वो चीज जो हमें बातें सुख के लिए चाहिए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि 99% हमारी जिंदगी बातिनी है और हम सुख हासिल करने के लिए जाहिर में ढूंढते हैं। एक शख्स घर के बाहर रास्ते में कुछ ढूंढ रहा था, तो किसी ने आके पूछा, भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहा, भाई मेरी मदद करो, मेरी चाबी गिर गई, चाबी ढूंढ रहा हूं। आधे घंटे तक बेचारे ने मेहनत की, चाबी मिली नहीं। कि तुम्हारी चाबी यहाँ गिरी है, तुमको यकीन है तुम्हारी चाबी इधर गिरी? कहा, नहीं नहीं, चाबी तो घर में गिरी है। भाई चाबी घर में गिरी है, तुम ढूंढता इधर है? क्या घर में अंधेरा है, रोशनी यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढता हूँ। जिंदगी भर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जगह नहीं है ढूंढने। तो हमें असल प्रॉब्लम जो है वो अंदर का है, बातिन का है, मगर हम उसका जवाब कहाँ ढूंढते हैं? बॉडी में, जाहिर में, दुनिया में। तो वो जवाब कभी नहीं मिलेगा, इसके दुखी और परेशान रहते हैं। कुदरत के कानून में हर चीज का जवाब मौजूद है, शर्त ये है उसके कानून के साथ चलें, उसके साथ हम कदम होकर चलें, उसके उसूल को अपनाएं, तो देखें किस तरीके से कुदरत के भेद हमको समझ में आने लगते हैं और नजर आने लगते हैं। तो जो हम बनना चाहते हैं उसका तस्वुर करें और उसी जात की तरफ और उसी मकसद की तरफ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। तीसरा उसूल जो ये बयान करता है वो है वहदत, वहदत, वननेस। कहता है ये पूरी कायनात जो है एक नगमा है, वो अंग्रेजी वर्ड से इसका तर्जुमा करता है, जिसे हम कायनात कहते हैं, आलम कहते हैं, उसे इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं, और वो यूनिवर्स का तर्जुमा करता है। यूनि यानी वन, वर्स यानी सॉन्ग, गाना। यूनिवर्स का तर्जुमा करता है वन सॉन्ग, यानी एक गाना, एक नगमा है। ये पूरी कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो कहे अल्लामिया का एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और एक नगमा बज रहा है, और हम सब उस नगमे में एक एक साज है अपनी जगह पे, साज मिलाते जाए। ये जुदा होने वाले चीजों को खत्म करें। आप देखें मौला के फरमान में ये चीज हमको मिलती है ना, कि जुदा करने वाली दीवारों को खत्म करके जोड़ने वाली पुलों की तरफ जाएं, जो इवेंचुअली बिल आखिर। एक दफा मौला हमें जमात के अंदर यूनिटी की बात करते हैं, फिर दूसरों के साथ यूनिटी की बात करते हैं, फिर उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, फिर इमाम मुस्लिम मुसलमान और यहूद और ईसाई इब्राहिमी ट्रेडिशन की बात करते हैं, बिलाकर सारे इंसानियत एक है और ये पूरी कायनात एक है।
तो कहते ये पूरी कायनात जो है वो एक नगमा है, अपने खौल से ये जो हम अलग 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 रहकर अपनी जाती जिंदगी जाती दुनिया बनाते हैं, कहते इससे बाहर निकलकर आफाकी बनने की यूनिवर्सल जिंदगी अपनाने की कोशिश करो। कहते इस तरह हमारा जिस्म, हमारे हाथ के अलग काम है, पैर के अलग काम है, दिल का अलग काम है, फेफड़े का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, जिस्म का हर उजू इंडिपेंडेंटली अपनी जगह पे अपना अपना काम करता है, मगर ये सब मिलाकर जिस्म है, ये सब मिलाकर जिस्म की एक यूनिटी है। इसमें से कोई भी एक हिस्सा अगर बागी हो जाए, यानी सिस्टम के मुताबिक न चले, तो सिस्टम अगर उसको रिजेक्ट करता है तो पूरे बॉडी पे उसका असर पड़ता है। क्या कभी जिस्म का एक उजू दूसरों से दुश्मनी कर सकता है? वो दिल कहे यार गुर्दे की बड़ी अहमियत बन गई है तो मैं गुर्दे के खिलाफ कुछ काम करूं, या फेफड़ा कहे कि आजकल दिल वालों की मार्केट बहुत गर्म है, जिसे देखो हार्ट का मर मसला लेकर खड़ा हुआ है और मुझे कोई नहीं पूछता तो मैं हार्ट पे हमला करता हूं या मैं हार्ट को खत्म करूं। बॉडी आपस में फाइट नहीं करती, बॉडी के आजा आपस में लड़ते नहीं है, वो एक यूनिट है। अगर वो लड़ने लगे तो जिस्म तबाह हो जाए, उनमें आपस में लड़ने की सलाहियत नहीं। कहते इसी तरीके से हमारी जो दुनिया है, हमारी जिंदगी है, कहते मिलाने की बात करें, जुदा करने की बात न करें। कितनी अच्छी मिसाल इसने दी है कि समझ लें कि आज एक कॉन्फ्रेंस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं, और श्री राम और कृष्ण और बुद्ध सब आ जाएं, वो सब एक कॉन्फ्रेंस में टेबल पे आके बैठे, तो क्या वो एक दूसरे को मारने की और मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकियां दें? अगर ये सारी हस्तियां आज एक टेबल पे आके बैठे, जो दुनिया की सारी इंसानियत की बड़ी बड़ी जमातों के लीडर्स हैं, जिनके हम फॉलोअर्स हैं, तो क्या ये लोग एक दूसरे पर एटमी धमाके करने की धमकियां देंगे, लड़ेंगे एक दूसरे से, या अपनी उम्मत की हिमाकतों पे हंसेंगे? कहते वो अपनी उम्मत की हिमाकतों पे हंसेंगे कि हम लोग क्या पैगाम लेकर आए थे, हम तुम्हें क्या बताते आए, हमने तुम्हें वहदत का पैगाम दिया, हमने तुम्हें मोहब्बत का पैगाम दिया, हमने तुम्हें जोड़ने का पैगाम दिया, तुमने नफरत को अमल में लाया, तुमने जुदा करने वाली दीवारें बनाई, हर एक अलग अलग अपने अपने यूनिट बन के बन बैठ गए। का इससे परेशानी आती है। इस तरह जिस्म में अगर आजा आपस में कोऑर्डिनेट न करें तो इंसान दुखी होता है, आपका जिस्म दुखी होता है। इस तरह इंसानियत अगर एक दूसरे के साथ मोहब्बत से न चले तो इंसानियत दुखी हो जाए। इसी हवाले से हम इंस्टीट्यूशन के हवाले से बात कर सकते हैं। ये कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो कभी भी किसी कारकुन को अलग करने की कोशिश नहीं करना, उसको आइसोलेट करने की कोशिश नहीं करना, सारे वर्कर्स को, सारे इंप्लॉयज को, सारे मैन पावर को आपस में मिलाकर काम करना, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि तुम एक वहदत के लिए काम कर रहे हो। अगरचे तुम अपनी अपनी जगह पे एक अलग हस्ती हो, मगर तुम सबका ताल्लुक एक वहदत के साथ है और उस वहदत को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। चौथा जो उसूल ये बयान करता है वो है एबंडेंस। एबंडेंस यानी इफ़राद, चीजों का बहुत ज्यादा होने का एहसास, जिसकी हम सबको ख्वाहिश कि बस हमारे पास इतना हो जो कभी खत्म ना हो। जो भी चीज हमें चाहिए, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि बस ख्वाहिश खत्म हो जाए, हम उम्मीद करें और वो चीज हमारे पास आ जाए, हमारे दिल में ख्वाहिश जन्म ले और वो चीज आ जाए। कहते हैं जो इफ़राद का तस्वुर है, हमें बहुत मिले और हमारे पास बहुत ज्यादा हो, का कुदरत में इसकी भरपूर गुंजाइश। आप एक सेब उठाते हैं, उस सेब को काटते हैं, उस सेब में कितने बीज हैं ये तो आप गिन लेंगे, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जितने बीज इसमें है, इसमें आगे और कितने सेब है किसी को मालूम? कोई गिन सकता? कोई नहीं गिन सकता। कुदरत की चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप गिन ही नहीं सकते। कुदरत में हर चीज जो है वो लामुतनाही है, एंडलेस है, लेकिन हम जब उसमें बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करते हैं, उसको कैद में लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो चीज हमारे हाथ में नहीं आती, हमारी एक मेंटेलिटी हो जाती है, स्कैसिटी मेंटेलिटी जिसे कहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ये मेरे पास होता कितना अच्छा होता, काश ये मेरे पास होता, ऐसे लोग तो मुफलिस होते हैं।
ये जो कि स्कैसिटी मेंटेलिटी दिमाग के अंदर ये सारी चीजें हैं, कुदरत के कारखाने में हर चीज मौजूद है। प्रॉब्लम क्या है, ये उसूल है कि जिस चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिस चीज पे हम ध्यान लगाते हैं, वो चीज फैल के बड़ी हो जाती है। आप जिस चीज पे ध्यान देंगे वो फैल के बड़ी हो जाएगी। मसलन थोड़ा सा नजला भी हमको होता है, अगर हम उस नजले की फिक्र लेके बैठे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है, इतना बीमार है, होता नजला है, लेकिन हमारा ध्यान पूरा अपने नजले पे है कि जैसे सारा जहान बीमार हो गया है हमारे साथ। बाद लोग इस तरह बीमार होते हैं कि उसके साथ सारी दुनिया बीमार हो जाती है। कुछ लोग होते हैं बड़ी बीमारी पे होते हैं, उनका ध्यान अपनी बीमारी पे नहीं होता, आप ध्यान उठा रहे तो वो सुकड़ के कमतर हो जाएगी। अगर हम किसी से 5,000 रुपया कर्ज लेते हैं और हमारा ध्यान उस कर्ज पे है कि मेरे सर पे इसका बोझ है, तो वो हमको 5 करोड़ रुपया लगता है कि मैं कभी इसको उतार लूं। ठीक है, कितने लोग हैं उनको परवाह भी नहीं है, क्या कुछ हड़प करके खा जाते, डकार भी नहीं लेते। तो जिसपे आप ध्यान लगाते हैं, अगर हमारा ध्यान मुफलिसी पर है, क्या कुछ मेरे पास नहीं है उस पे अगर मेरा ध्यान है, तो मैं बहुत मुफलिस रहूंगा जिंदगी भर, क्योंकि मैं वही चीज देख रहा हूँ जो नहीं है। फिर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको देखूं कि जो कुछ मेरे पास है। जो मेरे पास है, मैं तंदुरुस्त हूँ, अगर इस पे मेरा ध्यान है तो मुझे मेरी तंदुरुस्ती का बड़ा एहसास होगा, खुदा का लाख लाख शुक्र है। इतने लोग इतने किस्म की बीमारी में पड़े हैं, मुझे खुदा का शुक्र है कि मैं अच्छी सेहत के साथ हूँ। तो ध्यान उस चीज पे दें जो पॉजिटिव, उस चीज पे न दें जो मनफी या नेगेटिव हो। तो अपनी जिंदगी में जो भरपूर होने की ख्यालात है, हमें ये एहसास हो कि थोड़ा होने में भी हमारे पास बहुत है, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, चीजों का पीछा करना छोड़, पैसे का पीछा करना, चीजों का पीछा करना, ये मेरे पास हो, ये मेरे पास हो, इससे मेरे ताल्लुक हो, उससे ताल्लुक हो, ये दुनिया का दस्तूर है। जिसके पीछे आप भागेंगे वो आपसे दूर भागेगी, आप उससे भागिए वो खुद आपके पीछे आएगी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो हमने नफरत की तो बेकरार आने को है। जब मैं पीछा करता था तो वो भागती थी, अब मैं उसे दूर भागता हूँ तो वो मेरे पीछे भागती है। ये दुनिया है चीजों का पीछा। हाल में रह के हम शिकवा कर रहे हैं, अगर हम अपना रवैया सिर्फ बदल दें, सिर्फ अपनी सोच बदल दें, तो उसी जिंदगी में जहाँ कल हम शिकवा करते थे, आज हम शुक्र करेंगे कि या मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। मैं दूसरे से कंपेयर करके, दूसरों से मुआजना करके अपने आप को तबाह कर रहा था। लोगों में खामियां ना देखे, खूबियां देखे। खामियां देखने जाएंगे दुनिया में एक भी आदमी आपको पसंद नहीं आएगा, और ना हम किसी को पसंद आएंगे, क्योंकि हमारे भी इतनी खामियां होंगी। सब में कुछ अच्छाइयां हैं, सब में वो अच्छाइयां देखें, सारा जहान हमारा दोस्त बन जाएगा, किसी से हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। काम को लगन से और मेहनत से करें, और जो काम अच्छा लगता है वो काम करें, काम को बोझ समझ के ना करें, कंजूसी ना करें। ऑफकोर्स पैसे को संभालना जरूरी है और किफायतशारी से रहना, लेकिन कंजूसी नहीं, पैसे की पुजारी नहीं। पैसे का पुजारी बहुत कुछ होने के बाद भी दुखी रहता, वो सेल्फ उसके लिए एक बीमारी होती है। जहां देना है दिल खोल के दे, क्योंकि जब तक देंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ये कुदरत का कानून है। दीपक चोपड़ा की किताब में भी लॉ ऑफ गिविंग में बहुत डिटेल्स में हमने ये बात की है कि देने से चीजें आएंगी, जब तक चीजें रोक के रखेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी। और अपने घर जाकर, खासतौर पर खवातीन ये जो पसारे अपने घर में बहुत जमा करते हैं, कभी काम आएगा, मुझे 20 साल से पड़ा है आज तक तो काम नहीं आया, और 20 साल रखने का है। कितना सामान घर में जमा करते, उनको निकाल बाहर करें। मैंने कह रहा घर का सारा सामान फेंक दे, लेकिन यकीनन घर में जो कुछ हमने जमा किया है सब हमारे काम का नहीं है, शायद किसी और के काम का है। उसको जब तक निकालेंगे नहीं तो दूसरी चीज आएगी नहीं। तो चीजें जो बेकार घर में जमा करते हैं उसको निकाल बाहर करें, क्योंकि जिस्मानी चीजों से बहुत ज्यादा माया और ममता और मोहब्बत जो लगन लग जाती है ना, कि हम चीजों को अपने से अलग नहीं करते हैं, वो हमको दुखी कर देते हैं और मुफलिस बना देते हैं। तो हम
हम रायपुर फरावानी के अंदर समंदर में एक छोटी मछली घूम रही थी तो किसी बहुत बड़ी मछली को देखा, उसको पूछा भाई तुम तो बहुत बड़ी हो और बहुत पुरानी हो, बड़ी लंबी उम्र तुम्हारी मालूम होती है, जरा ये तो बताओ समंदर किधर है। उसने कहा बिटिया यही तो है समंदर जिसमें हम घूम रहे हैं। कहा नहीं ये तो पानी है, ये तो पानी है, मैं समंदर ढूंढ रही हूँ। बेटा इसी का नाम समंदर है। तो ये जो हम बरकत और फरावानी और सामान ढूंढते हैं ना, वो किसी और दुनिया में नहीं रखा हुआ है और ना किसी और के घर में रखा हुआ है और ना कहीं बाजार में रखा हुआ, हमारे अपने घर के अंदर है, हमारे अपने घर में, हमारे अपनी जिंदगी में, हमारे अपने दिल में, हमारे अपने दिमाग में। मगर हमने दिमाग के वो दरवाजे बंद करके रखे हैं और उनको खोल दिया है जो अंधेरा हमारी जिंदगी में लेके आते हैं। पांचवा उसूल जो ये बताता है, जो दीपक चोपड़ा की किताब में भी इत्तेफाक से था, वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब क्या है? कहते हैं चीजों से लगाव मत रखो, दुनियावी चीजों के साथ, मादी चीजों के साथ लगाव मत रखो। कहते अगर मादी चीजों में सुख होती तो दुनिया में मादी सामान जितना बढ़ता गया इंसान इतना सुखी होता। कहता है बदकिस्मती से जितनी मादियत बढ़ती गई है, जितना सामान दुनिया में बढ़ता गया है मादी, इतना इंसान अंदर से दुखी होता गया है, इतने इंसानी इकदार खत्म होते गए हैं, इतने इंसान के वैल्यूज खत्म हो गए। तो कहता है ये जो मादी चीजें हैं ये सुकून का मयार नहीं है, इसलिए इनसे दिल मत लगाओ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा ना हो, हमारे पास दौलत ना हो? ऑफकोर्स हमारे पास पैसा हो, दौलत हो, लेकिन वो ये नहीं समझना कि आपके पास पैसा और दौलत है तो आप सुखी भी हो जाएंगे। सुख का आपके पैसे और दौलत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहते हैं हम पैसे और दौलत के साथ सुखी कैसे रह सकते? हमारे पास पैसा भी हो, दौलत भी हो, अच्छे मकान भी हो, दुनिया का सारा सामान हो, मगर उसके साथ साथ हम सुखी भी हो, वो कैसे हो सकते हैं? कहते हैं वो इस तरह हो सकते हैं कि हमारे सारे दुख की जो वजह है वो अटैचमेंट, लगाव है, चीजों के साथ लगाव है। आप दरिया किनारे चले जाते हैं, पूरा समंदर पानी का भरा है, उसमें अपना हाथ डालें, आप उसमें नहाएं, सारा समंदर आपका है, लेकिन जैसे मैंने ये सोचा कि मैं इसको काबू में कर लूं, इसे मैं अपना बना लूं, मैं इस पे कंट्रोल कर लूं, आप मुट्ठी भरने जाते हैं तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, चंद कतरे आते। कहता है प्लीज मैंने सारा समंदर तुमको दिया है मगर इस पे काबू करने की कोशिश नहीं करता। आप बगीचे में चले जाएं, ठंडी हवा चाहे इतनी आप लें और उससे आप महसूस हो, लेकिन जैसे आपने कहा मैं हवा को गिरफ्तार करके अपना बनाकर अपने घर ले जाऊं, तो वो रिफ्यूज करती है कि सॉरी ये नहीं हो सकता, आपकी मुट्ठी में ये हवा नहीं आ सकती। तो चीजों को जब कंट्रोल करने जाते हैं, काबू करने जाते हैं, अपना बनाने जाते हैं, तो वो रिफ्यूज करते हैं कि देखो नेचर ने जिस तरह खुला छोड़ा है चीजों को, इस तरह अपने दिल को तुम खुला छोड़ो, कंट्रोल करने मत जाओ, ये मेरा घर, ये मेरा सामान, ये मेरा मेरे बच्चे और ये मेरी चीजें, ये मेरा जिस्म, ये मेरे आराइश का, ये जो लगन है, ये जो अटैचमेंट है वो हमें दुखी करते हैं। और सात किस्म की ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से, जिसके लगन की वजह से हम दुखी होते हैं। उन सब की तफसील में मैं नहीं जाता, कुछ अरसे पहले मैंने सेवन अटैचमेंट पे इस चैप्टर पे अलग वॉइस किया है जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सेवन अटैचमेंट उसका नाम है। सात किस्म की चीजें जिससे हमारा लगाव होता है। पहली तो चीजों से लगाव, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की, कबाड़ में सामान भरा पड़ा है, पेटी में सामान भरा पड़ा है, निकालते नहीं है, भाई निकालो इन चीजों को, बाहर निकालो, क्योंकि ये चीजें जिस दिन हम चले जाएंगे, इसने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, का एक घड़ी के लिए मुतु कबल अंतमुतु, मौत से पहले मर जाने का मंजर कर लो, का एक घड़ी के लिए एक तस्वीर अपने जहन में लाओ। मैं जानता हूं कि ये तस्वीर हमें अच्छा नहीं लगेगा, मगर इससे अच्छी बात भी कोई नहीं हो सकती है कि हमें हमारा रियलिटी का पता चले। एक मिनट के लिए हम ये सोच सकते हैं कि हमारा वो दिन आ गया जिस दिन हम ये दुनिया से जाने वाले हैं, हम दुनिया से जा रहे, हम मर गए, हमारा जनाजा उठा के ले जाया जा रहा है। तस्वीर कर सकते हैं मेरा जनाजा उठ रहा है, लोग खुदा करे कि ऐसा हो कि बहुत से कंधे देने वाले मौजूद हो जनाजे में, और मैं मुड़ के देखूं कि ये मेरा घर,
ये मेरा सामान, ये मेरी किताबें और ये मेरी फैमिली, उस वक्त मैं क्या लेके जा रहा हूं अपने साथ, और उस वक्त मेरा अटैचमेंट क्या है इन चीजों के साथ, कुछ भी नहीं है, सब पीछे है, मैं जाता हूं। कहा डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर के देखो, अपनी जिंदगी के दौरान इस तरीके से डिटैच रहो, ये सब है लेकिन इनसे मेरा अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि जब मैं अटैच होता हूं बहुत ज्यादा, जब मैं कोई चीज मांगता हूं जिसपे कंट्रोल करता हूं, वो जब मेरे हाथ से जाती है तो मैं दुखी होता हूं, जिससे मेरा अटैचमेंट नहीं है। जिस तरह आपके घर में जिससे आपको मोहब्बत है उनको चोट आती है तो आप दुखी होते हैं, गांव में इतने लोग मारे जाते हैं हम दुखी नहीं होते, इतने लोगों की जमीनें हड़प हो जाती हम दुखी नहीं होते, इतने लोग बीमार होते हम दुखी नहीं होते, इतने लोग एग्जाम में फेल होते हैं, हमें तकलीफ सिर्फ हमारे बेटे की वजह से बेटी की वजह से होती, क्यों उसका गम क्यों नहीं हमको, कहा उससे हमारा क्या लेना देना है, तो असल काम लेने देने का है। अरे हम कितने सेल्फिश कि हमारा, आप देखिए ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है अटैचमेंट की वजह से हो रहा है, तो अगर अटैचमेंट थोड़ा कम हो जाए तो ये जो सदमे हैं, तकलीफ है, दुख है, वो कम हो सकते हैं। तो सात चीजें हैं, यानी सामान से हमारा अटैचमेंट, लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे माजी के साथ, हमारे असल के साथ, हमारे हिस्ट्री के साथ, हमारे जिस्म के साथ हमारा अटैचमेंट, हमारे अपनी सोच और ये ख्याल कि मैं जो कुछ कहता हूं सही है उसके साथ हमारा अटैचमेंट, पैसे के साथ अटैचमेंट और जीत के साथ हमारा अटैचमेंट। इम्तिहान बच्चों को देना है मगर बच्चे के कंधे पे माँ बाप इस तरह सवार हो जाते हैं कि ये उनकी इज्जत और आबरू का सवाल हो जाता है, बच्चे को बच्चा नहीं समझते हैं, उनको स्टूडेंट नहीं समझते हैं, कोई रेस का घोड़ा समझते हैं अपने बच्चों को, कि भाई तुम कुछ भी करो फर्स्ट लेकर आओ चूंकि मेरी इज्जत का सवाल है। बच्चों पे इतना जुल्म नहीं करें, मैं एजुकेशन की इंपॉर्टेंस से मना नहीं करता लेकिन बच्चों की ट्रीटमेंट का भी अपना अंदाज होता है। आपके बच्चे ये कोई रेस के घोड़े नहीं है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये खुदा की मखलूक है, दे आर बोर्न थ्रू अस नॉट फ्रॉम अस, हमारी मिल्कियत नहीं है, हमारे जरिए से भले पैदा हुए हैं मगर उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कीमत है, उनकी भी अपनी इज्जत रिस्पेक्ट है, उनको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चाबुक के जोर पे न चलाए, उनके फीलिंग का, उनके एहसास का, उनके नीड का, उनके नेचर का, हर चीज का ख्याल करें और हर चीज का एहतराम करें। इसकी तफसील जो है उस वाज के अंदर मौजूद है, इसको हम किस तरीके से अपनाएं, नेचर का जो फ्लो है उस फ्लो के साथ, नेचर के बहाव के साथ जाएं, चीजों को काबू में लाने की और कंट्रोल में लाने की कोशिश न करें, मुकाबला करने की बजाय ताउन करें। आप देखें जब हम कोऑपरेशन से काम करते हैं हमें कोई क्लैश नहीं होता, जब हम कंपटीशन से काम करते हैं, हाँ भाई ये इदारा ये काम कर रहा है चलो मैं इसको सपोर्ट करूं, वो भी कर रहा है मैं इसको यूं सपोर्ट करूं, तो कितना अच्छा काम बनता है। अच्छा इसने ये काम कर लिया, मैं इससे ये काम करके उसके मुकाबले में बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा काम करता हूं, तो आपकी सारी एनर्जी जाया होती है टसल टग ऑफ वॉर में, खेचातानी में, कॉम्पिटिशन में, और जब आदमी लड़ता है तो लड़ने वाली दोनों पार्टियां जो भी शामिल है वो कमजोर हो जाती है, भले दोनों जीते या दोनों हारे मगर दोनों की ताकतें एनर्जी जाया होती है। तो क्या कॉपरेशन से काम करें बजाय कॉम्पिटिशन की, चीजों को सर्कुलेट करें, अगर आप चीज को रोक देंगे अपने पास तो वो जिस तरह ब्लड हमारे जिस्म में सर्कुलेट होता है, चीजों को सर्कुलेट करें, पैसे को सर्कुलेट करें, जहां आपने रोक दिया खून का बहाव अगर रोक दिया तो हमारा जिस्म मुर्दा हो जाएगा। अपना ही ख्याल न करें, दूसरों के ख्यालात, दूसरों की राय का भी एहतराम करें, और जुदा करने वाले दीवारों की बजाय हम जोड़ने वाले पुल तामीर करने की कोशिश करें। जो इसका छठा उसूल है वो कहता है ये है सिंक्रोनिसिटी, लफ्ज थोड़ा मुश्किल है मगर मैं आसान किए देता हूं। सिंक्रोनिसिटी का मतलब ये है, कहते इस पूरी कायनात में जो कुछ हो रहा है वो एक बहुत बड़े जहन के मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। आप ये नहीं समझना कि जो कुछ इतने सारे वाकयात कायनात में हो रहे हैं वो रैंडम है, इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, बल्कि हर घड़ी हर पल जहां जो भी वाकया पेश आ रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी अकल अखले कुल काम कर रही है, और ये मीनिंगफुल दुनिया है। इसलिए जितने भी वाकयात पेश आ रहे हैं उन तमाम वाकयात में पैगाम है, मैसेज है और मीनिंग
को समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ अपनी जात को न देखें, अपनी जाती फिल्म के हम जरूर हीरो होंगे, लेकिन खुदा ने जो फिल्म बनाई है उसमें हम एक्स्ट्रास के तौर पे काम कर रहे हैं, और अपने आप को एक्स्ट्रा के तौर पे आप एक्सेप्ट करें। का बातिन का, जहन से जहन का एक राब्ता है जो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस वसी कायनात में जिस्मानी राब्तों के अलावा जहनों का आपस में एक रूहानी और जहनी रिलेशन और राब्ता है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी बुरे वाकया क्राइसिस तुम्हारे लाइफ में पेश आ रहे हैं, वो कहता है उसको क्राइसिस नहीं समझना, उसको मुश्किल वक्त नहीं समझना, ये ट्रेनिंग है और टीचिंग है। हर बुरा वाकया हमारी जिंदगी में जो आता है उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद हम क्या कहते हैं, अच्छा हुआ मेरे साथ ये वाकया हुआ, मुझे सबक मिला, मुझे सीखने मिला, मैं सुधर गया, मेरी जिंदगी में ये तब्दीली आई। तो जिंदगी में वाकई होने वाला हर वाकया, हर क्राइसिस, हर बुरा वक्त हमारा टीचर है, और उस बुरे वक्त के दौरान जो कुछ भी हम सीख सकते हैं सीखे। जिस तरह कीचड़ में कंवल पैदा होता है, इसी तरीके से बुहरान में से, तकलीफ के वाकयात में से एक नई जिंदगी उभर के सामने आती है जो शायद हमें पता न चले। इसलिए हर वाकया को कबूल करें, कभी एक ना कह के ये क्या हो गया मेरे साथ, कुछ बुरे कलिमात अपने मुंह पे लाके हम हालात को रिजेक्ट करते हैं कि ये क्या हो गया, क्या जो भी हुआ उससे कबूल करो। इस बहुत बड़ी कायनात में बहुत से वाकयात हो रहे हैं, और हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग नेचर की होती है, उस प्लानिंग के साथ अपने आप को ले जाने की कोशिश करें। मेडिटेशन के जरिए वो कहता है इस कायनात के रिदम को समझने की कोशिश करें। जब हम एक ध्यान होते हैं या नेचर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आफाक पे ध्यान देते हैं, तो हम इस कायनात के रिदम के अंदर आ जाते हैं। कहते हैं दिल की जो आवाज है, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करना। बाज़ोकात हम किसी मसले में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, अंदर से कोई आवाज आती है, इसको इंट्यूशन कहते हैं, कोई दिल की आवाज, कोई हमें कह रहा है आप ऐसा करो तो शायद इसका हल निकल आए। कहते हैं ऐसे ख्यालात को रद्द नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, ये रूहानी दुनिया की आवाज होती है, ये इंट्यूशन है, ये इल्हाम है, ऊपर से अकले कुल की तरफ से तुमको मैसेज आता है, तो उसकी तरफ ध्यान देना और उसको कबूल करने की कोशिश करना, और लोगों को मिलाने की बात करना न कि जुदा करने। अभी आखिरी चैप्टर की तरफ आया, इस सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर इतने परेशानी और इतनी तकालीफ के अंदर जो ये अटैचमेंट का जो मसला है, जो चीज हमें परेशान और दुखी करती है, उसने मजहबी किस्म के उन्वान को यहाँ पे डाला। कहता है बहुत से लोगों को हैरत होगी कि मैं ये चैप्टर यहाँ क्यों डालता हूँ। कहता है जब तक ये चीज हमारे जिंदगी में नहीं होगी, हम छूट नहीं सके, हम इस जिस्म के बंधन से आजाद नहीं हो सके। और वो चैप्टर है फॉरगिवनेस, माफ करना। कहते हैं माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। कहते हैं माफ न करने की वजह से या माफ करने की सलाहियत हमारे अंदर न होने की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। कहते हम जिसको माफ नहीं करते, किसने हमारे साथ बुरा किया, ये हमारा जजमेंट है। कि अभी हम जो सिंक्रोनिसिटी की बात कर रहे थे, कायनात में हर वाक्य अपने अपने हिसाब से पेश आता है, भाई तो आपने मेरे साथ कुछ किया तो मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा क्यों लगा कि मैंने ये जज किया कि आपने ये काम मेरे साथ गलत किया। वो बेचारा क्या करे कि मेरे साथ इसका वाकया गलत हो गया, इसने अपने तौर पे सही किया। मैं अगर एक खास किस्म के कपड़े, रंग के कपड़े पहन के आ जाता हूँ जो मुझे पसंद है, जो किसी को पसंद नहीं है, तो उसको अगर वो रंग देख के बुरा लगता है तो मेरा कसूर तो नहीं है, कसूर उसका है कि जिसको ये रंग पसंद नहीं, नहीं कि मैंने उसको ये तकलीफ पहुंचाई। तो कायनात में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जहां लोग हर एक अपनी अपनी जगह पे वही काम कर रहे होते हैं जो उसको करना चाहिए। ये और बात है कि उसका परसेप्शन किस तरह होता है, उसको देखा किस तरह जाता है, या किसी और पे उसका असर क्या होता है और उसका रिएक्शन सामने से क्या होता है। कहते अगर तुम ये देखो कि कायनात में हर चीज को उसी तरह होना है जिस तरह की हो रहा है,
तो ये जो तुम अपने अंदर लोगों को माफ ना करने और लोगों से बुरा मनाने का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि जहां तक मुमकिन हो लोगों को उनका कसूर माफ कर दिया करो। ये तीन एरियाज बताता है जो माफी के स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले वो कहता है ब्लेम। हम जब तक किसी को ब्लेम नहीं करते हैं तो माफ करने का सवाल नहीं। हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं तब हम कहते हैं मैं इसको माफ करूंगा। कहा ब्लेम क्यों लगाते हैं? आप किसी पे इल्जाम क्यों लगाते हैं? ये इल्जाम हमारे जहन में है, उस वाकये के अंदर, उस काम के अंदर नहीं है। ये खामखा हम अपने अंदर लेके फिरते हैं। तो हम कभी किसी के, अगर हम जजमेंट नहीं देंगे, जिस तरह दीपक चोपड़ा का एक चैप्टर था नॉन जजमेंटल, किसी के काम पे जजमेंट ना दो। आपको जिस तरह समझना चाहते हैं समझे। जब हम किसी पे ब्लेम करते हैं तो दूसरा मरहला जो उसका आता है वो रिवेंज का आता है, बदला लेने का आता है कि मैंने इस पे इल्जाम लगाया, अब मैं इसके साथ हिसाब बराबर करूंगा। अक्सर आप बहुत ही मशहूर डायलॉग हम सुनते हैं, मैं इस बदले की आग में जल रहा हूं, मैं बदले की आग में जल रहा हूं। भाई आग किसने लगाई है आपके सीने में? आप जल रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं बदले की आग में जल रहा हूं। कौन जल रहा है? जो बदला लेना चाहता है। आग किसने लगाई है? आप ही ने लगाई है, खुद की लगाई हुई आग। जब हम किसी से बदले की आग में जल रहे हैं, हमारी ही आग है, हमने ही जलाई है और खुद ही जल रहे हैं, किसी का कुछ नहीं होता है। इस आग को यही बुझाए, वहां ना बुझाए, वहां नहीं बुझेगी ये आग। फॉरगिवनेस का पानी डाले, माफी का पानी डाले। जब आप माफी का पानी डालते हैं उसको कुदरत के हवाले, नेचर के कानून के हवाले जब कर देते हैं तो वो किस्सा खत्म हो जाता है, माफ हो जाता है। जब हम जजमेंट छोड़ देंगे, जजमेंट क्या है भाई? आपने ये काम किया, मैंने कहा आपने गलत काम किया, शायद इसका काम गलत ना हो, मेरा जजमेंट गलत है। तो ये जो हम ब्लेम लगाए फिरते हैं ये हमारा अपना जजमेंट है। अगर हम चीजों को कबूल करना शुरू करें कि मुमकिन है मेरे ख्याल में ये काम गलत हुआ है, उससे ख्याल में ये काम अच्छा हुआ हो, मैं उसको खुदा के सुपुर्द करता हूं, और जाहिर अगर मेरा अटैचमेंट है, मैं कुछ छीनना चाहता हूँ, कुछ लेना चाहता हूँ, कुछ जमा करना चाहता हूँ, तो मुझे तकलीफ भी होगी। अगर मैंने छोड़ा हुआ है, मेरा डिटैचमेंट है, मैं उनके ताल्लुक से अलग हूँ कि ये मेरे फेवर में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे फिर बदला लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चीजों के बारे में, हालात के बारे में जहां तक मुमकिन हो जजमेंटल न बने। हम जजमेंट को खत्म नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहूं कि किसी वाकये के बारे में कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि हर वाकया को या हर शख्स को या हर आदमी पे हम फौरन कह देते हैं उसने ये गलत किया, मेरे साथ बुरा किया, ये वाकया बुरा किया। जहां तक मुमकिन हो कम करें अपने जजमेंट को, ताकि हम ठीक है ये वाकया हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वाकया खुद बताएगा मुझे क्या लेना देना है। तो हम जरा अगर उससे अलूफ रहते हैं तो फिर हम हर्ट नहीं होते हैं। जब हर्ट नहीं होते हैं तो हम ब्लेम नहीं करते हैं। जब ब्लेम नहीं करेंगे तो बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो माफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहता है बुनियादी तौर पर अगर हम अपने जजमेंट पे काबू रख सके तो माफी का कोई तसव्वुर ही नहीं रहता। माफी तो उसी वक्त दी जाती है जब आप पहले इल्जाम लगा चुके हैं उस पे और जजमेंट दे चुके हैं। तो कहता है सबसे अहम बात जो जिंदगी में है, जो हमारी कामयाबी और सुकून का राज है, वो कहते हैं देने में, वो लेने में और जमा करने में नहीं है। गिविंग इज द की टू हैप्पीनेस। लेने में खुशी नहीं है, देने में खुशी है। और खुदा के इस कानून का जो अल्टीमेट रियलिटी है, द अल्टीमेट एक्ट, जो आखिरी पैगाम इस पूरी कायनात का है, वो है सरेंडर करना। अपने आप को कुदरत के आगे, अपने मालिक के आगे, अपने खालिक के आगे, इस आफाक के आगे अपने आप को सपोर्ट कर दें। जब हम अपने आप को सपोर्ट करेंगे तो नेचर से हमारा क्लैश नहीं होगा। हुजूर ने भी अपने फरमान में जो कुरान की आयत है, खुदा ने आपकी ज़बानी कहलाए, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी सलात, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब मेरे परवरदिगार के वास्ते है। तो जब हम अपने आप को उस खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, सुपुर्द बैतुल माया दिशरा,
तू दानी हिसाबे कम और बेशरा, कि जो कुछ मेरे पास है मैंने तेरे सुपर्द किया, कम है ज्यादा है तू जाने, मैं कोई जजमेंट नहीं देता। तो आप देखिए हमारा वजूद इतना हल्का फुल्का हो जाता है। अगर हम अकड़ के रहेंगे और हर चीज से फाइट करेंगे तो बार बार चोट आएगी। अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे, नेचर के साथ चलेंगे, कुदरती कानून के साथ चलेंगे तो बड़े आराम से जिंदगी गुजरेगी। और जो हमारा हमारे बातिन है, हमारे अंदरूनी दुनिया है, वो उभर के सामने आएगी। वक्त तकरीबन पूरा हो रहा है, आप जमात ने बहुत खामोशी से सुना, ये जो चंद बातें आपके सामने पेश की गई, जो बात इसमें से अच्छी लगे अपने जिंदगी में और अपने ख्यालात में अमली जामा पहना सके उसे पहनाने की कोशिश करे। मेरे साहिबान ने आपके सामने बोलने का मौका दिया, आपने खामोश से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हाजिर इमाम हमें मस्जिद में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मौलाना जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात विश्वास का टॉपिक जो था वो रूहानी बेदारी था, सही है, जिसमें अलवाई साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि हम रूहानी बेदारी अपने अंदर कैसे ला सकते हैं या रूहानी तौर पर हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। इस ओवरऑल टॉपिक में जो है 7 पॉइंट्स, जो बेसिक 7 पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट जो आता है कि हमारी जो असल जो है वो हमारी रूह है, सही है, न कि हमारा जिस्म। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो था वो है हमारी जो वजूद की बुनियाद जो है वो बातिन है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो था हमारे पास वो था वहदत का, सही है, और चौथा पॉइंट जो था वो है अबंडेंस का, सही है। अच्छा, जो पांचवा पॉइंट का जो जिक्र किया है उस बुक के रेफरेंस से, यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट, इस बुक का नाम था। तो इसके पांचवें चैप्टर में जिस चीज का जिक्र है वो डिटैचमेंट का, यानी डिटैचमेंट का मतलब ये है कि जो दुनिया की या मादी चीज़ों के साथ लगाव होना, सही है। और छठी चीज़ जो है वो सिंक्रोनिसिटी, इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई अकले कुल काम कर रही है, सही है। आखिरी और सातवां पॉइंट जो है फॉरगिवनेस का यानी माफ करना हमें आना चाहिए उनको, या माफ करना सीखना चाहिए। तो इसमें जो मेन जो हमारे पास पॉइंट्स थे उनका जिक्र किया हमने, उम्मीद है आपको ये वाज पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वाज तक के लिए आप तमाम को याद मदद।